क्या नाक में बड़े हुए मांस से कैंसर बन सकता है? यस दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को चिंता सताती है कि मेरे नाक में मांस बन गया, क्या उसमें कैंसर भी बनने के चांसेज हैं? बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार क्या है, जाने अनजाने में या कई बार हम मिरर में देखते हैं या कई बार सीटी स्कैन में कराते हैं, तो कई बार हमें लगता है, डॉक्टर बताता है नेजल मांस, नाक में मांस बन गया। अब बहुत बार हम ट्रीटमेंट नहीं कराते, बहुत बार हमारे दिमाग में कई सारे मिथ और भ्रांतियां होती हैं कि क्या सर इससे कैंसर भी बन सकता है। दोस्तों, अमूमन जो हमारे नोज के अंदर जो मांस बनता है, वो आप मान के चलिए जो यंगस्टर्स, जो हमारे अडल्ट पॉपुलेशन है, 80% करीब करीब नेजल एलर्जी के कारण होता है, जिसको नोजल पॉलिप्स बोलते हैं, साइनो नेजल पॉलिपोसिस बोलते हैं, रसोली बोलते हैं। दोस्तों, ये जो रसोली और जो मांस है, उसमें लाइफ में कभी कैंसर नहीं बनता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इसमें कभी आप कैंसर नहीं बनता। इसमें क्या हो सकता है, इसमें फंगस डेवलप हो सकती है, फंगल साइनोसाइटिस, वो फंगस के कारण आपको नुकसान हो सकता है, बट कैंसर नहीं होता। कैंसर आपको बता दूं मैं किस में हो सकता है, कि आपकी पेशेंट की कई बार उम्र है 55 साल से, 65 साल से ऊपर, क्रॉनिक स्मोकर है, एल्कोहलिक है, एक नाक बिल्कुल नॉर्मल है, एक नाक में एक जगह मांस बना हुआ है, और उस मांस के साथ में आपको नेजल ब्लॉकेज के साथ फाउल स्मेलिंग है, नोज में बार बार ब्लीडिंग होती है, या आपके जो है वो नोज के मांस के कारण की जो है वो स्वेलिंग आपको बार भी प्रतीत हो रही है। दोस्तों, ये वो वार्निंग साइन है जो नाक का मांस कैंसर का रूप धारण भी कर सकता है। ब्लीडिंग आना, स्वेलिंग आना, स्मेल आना, ठीक है ना, ये सारी जो चीजें हैं वो आप कैंसर का। तो इससे दोस्तों हमें ये पता लगता है कि नॉर्मली जो नोज में जो मांस बनता है उसमें कैंसर नहीं होता, बट उसके साथ में क्या और सिम्टम्स हैं, उस क्या पेशेंट की उम्र है, उसकी क्या बाकी क्रियाकलाप है, क्या कोमोर्बिडिटी है, उससे हमें ये पता लगता है। सो दोस्तों, देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।